कि जो सुल्तान मूवी बनी थी वो सुल्तान मूवी कुश्ती वाले सुल्तान के ऊपर बनी थी, लेकिन ये इत्तेफाक कहिए या कुछ, ये ही उसका डायरेक्टर था। अगर सलमान खान की माँ सुषमा या सुलोचना है, जो कि महाराष्ट्रियन थी और बाद में वो सलमा बन गई थी, अगर सलमान खान जो बॉस मानते हैं जिसको, क्या उसका कर्तव्य नहीं बनता था कि वो इसको रोके? त्रिशूल हाथ में लेकर, जूते पहनकर ये आदमी गंदी गंदी बातें सनातन के बारे में कर रहा है, और ये उसके बाद जूते पहनकर सनातन का अपमान कर रहा है। त्रिशूल पकड़ने की हिम्मत कैसे आई? मैं बोलती हूँ, क्या एक हाथ में कुरान पकड़ सकते थे? एक कविता लोग कहते थे, जब मैंने 6 साल पहले कविता की यात्रा शुरू की, सौरभ भैया और मैं इनको मामा कहता हूँ, सौरभ मामा, कि जब मैंने ये कविता की यात्रा शुरू की तो मेरे विषय थे हिंदुत्व, भगवा, हिंदुस्तान। तो लोगों ने कहा, अमित बहुत कम उम्र में कैसी बात करते हो, अगर इस तरह की बात लिखोगे तो मंच नहीं मिलेंगे, मंचों से नकार दिए जाओगे। मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ कि 1 महीने में बहुत सारी डेट भरी रहती हैं, कई कार्यक्रम कैंसिल करने पड़ते हैं। दो दो देशों की यात्रा पे 10-10 कवि सम्मेलन करने गया मैंने, कहा था, क्योंकि मेरे गुरुदेव नरसिंहानंद सरस्वती जी कहते हैं कि अमित शर्मा जो धर्म को बल देता है, धर्म उनको बल देता है, इसलिए मुझे बल जो मिलता है धर्म से मिलता है। मित्रों, 6 साल तक भगवा की बात करी, हिंदुत्व की बात की, भगवा पहनकर मंचों से कविता पाठ किया, लोगों ने कई कई अधिकारी छोड़कर चले जाते थे, जो अधिकारी छोड़कर चले जाते थे, एक भगवाधारी को सत्ता मिली तो वही अधिकारी भगवा की बात नीचे बैठ के सुनते हैं। ये आपकी ताकत है, हमारी ताकत है। जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्त। स्वागत है आप सभी का रूल ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। कल हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने बोला था, भाई अपनी वीडियो में प्राची अधिकारी जी को लेके आओ। लीजिए, आज मैं आपके लिए प्राची अधिकारी जी की ये स्पीच लेके आ गया हूँ, जरूर सुनिएगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ आप लोगों के कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़ के जिसमें आप लोगों ने बोला है कि भाई आप जितनी भी लंबी वीडियो लेके आओ, हम लोग हैं देखने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। दोस्तों, वीडियो ये भी 18 मिनट की है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो, वहीं घड़ी की सुई अटक गई है सब्सक्राइब की। तो इधर उधर के चैनलों को तो आप लोग बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब करते हैं, एक एक सब्सक्राइब एक सपोर्ट अपने हिंदू भाई के लिए भी कर दीजिए प्लीज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जय श्री राम। लूट जी, पैर मिलना था ना, पैर खोल दिया, पैर पहले खोलो, बिलाओ, हाँ ऐसे करो, ये फिर से करो एक बार, विश्राम, हाँ सावधान, सलूट, विश्राम, सावधान, हाँ तेज चल, हाँ थम, विश्राम, हाँ सावधान, सलूट, विश्राम। हमने खुद बनाई है। किस लिए? हम मुसलमान है और हमें काफिरों की गर्द नहीं उड़ानी है। ओ अच्छा, काफिरों की गर्द नहीं उड़ानी है, मतलब कोई भी काफिर मिल गया तो आप लोगों ने उसका वो सर कलम कर देना है, और उसके बदले में क्या मिलेगा आप लोगों को? जन्नत मिलेगी। जन्नत मिलेगी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हर एक छोटी चीज हम यहाँ पर बताएं, ताकि हर छोटी चीज से आपको पता चले कि ये जिहादी जो है कहाँ कहाँ जड़ों में घुसे हुए हैं। देखिए दोस्तों, एक एक वेब सीरीज आंडव नाम की,
ठीक है, उसमें ये जो जाफर है इसका आगे का नाम है सुल्तान। ये फर्स्ट नेम इसका जो टीवी वाले नहीं बोल रहे हैं, वो इसका आगे का जो उसका फर्स्ट नेम है सुल्तान। और मजे की बात, कहते तो है कि जो सुल्तान मूवी बनी थी वो सुल्तान मूवी कुश्ती वाले सुल्तान के ऊपर बनी थी, लेकिन ये इत्तेफाक कहिए या कुछ, ये ही उसका डायरेक्टर था। अगर सलमान खान की माँ सुषमा या सुलोचना है, जो कि महाराष्ट्रियन थी और बाद में वो सलमा बन गई थी, अगर सलमान खान जो बॉस मानते हैं जिसको, क्या उसका कर्तव्य नहीं बनता था कि वो इसको रोके? त्रिशूल हाथ में लेकर जूते पहनकर ये आदमी गंदी गंदी बातें सनातन के बारे में कर रहा है, और ये उसके बाद जूते पहनकर सनातन का अपमान कर रहा है। त्रिशूल पकड़ने की हिम्मत कैसे आई? मैं बोलती हूँ, क्या एक हाथ में कुरान पकड़ सकते थे? एक हाथ में कुरान पकड़ के जूते पहनकर, एक अपना तो वुजू करके नमाज पढ़ते हो, नमाज भी वुजू करके पढ़ते हो। कहते हो जब पानी नहीं है, जब पानी ना मिले तो हम राख से वुजू कर लेंगे, मिट्टी से वुजू कर लेंगे, लेकिन जब बात सनातन की आती है तो आप जो है जूते पहनकर, आप जूते पहनते हो और जूते पहनकर त्रिशूल पकड़ते हो और गालियां देते हो सनातन को। ये जो दुगल्लापन है, ये दुगल्लापन दिखाता है। जो लोग गणपति बाप्पा मोरिया कहते हैं और कहते हैं हम तो मुसलमान हैं और फिर भी हम ऐसा कह रहे हैं, वो लोग कहाँ मर गए हैं? वो सैफ अली खान जो तैमूर का बाप है, जिस तैमूर लैंग ने ना जाने कितने 1.5 लाख हिंदुओं की इमारत बनवा दी थी, और क्यों बनवाई थी पता है आप उसके पीछे की कहानी जानते हो? मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूं वो भी बताऊंगी। वो तैमूर लैंग ने कितने लोग बंदी बना लिए थे, तो उसने कई लोगों से कहा जो उसके सिपा सलार थे, जो हिंदू थे, उससे कहा कि सुन, अगर तू उसको नहीं काटेगा तो मैं तुझे काट दूंगा। दूसरा वाला जो था दिल्ली में जो बैठा था, या कोई और, वो उस पर कब्जा करने वाला था, उसको हराने वाला था, या कुछ उसका युद्ध होने वाला था, तो उसने कहा अगर ये बच जाएंगे तो उसके गुलाम बन जाएंगे ये वाले हिंदू, तो उसने कहा इसलिए मैं इन गुलामों को काट दूंगा। उसने फटाफट काटा, उसने बोला मैं ही नहीं काटूंगा, तू नहीं काटेगा तो तू भी मरेगा, तो फटाफट उसने कटवाया उनको, और मीनार बनाई उसने इस तरह की, इतने हिंदू मारे। उसके नाम, उसका बाप उसके नाम पर अपने बेटे का नाम रखा है इसने, अब पता नहीं बेटी का नाम पता नहीं क्या रखने वाला है, जुमला बाई या कमला बाई पता नहीं क्या रखेगा। तो भी इसकी बीवी जो एक नाम के लिए हिंदू है, करिश्मा करीना कपूर, जिसका नाम आयशा रख दिया गया है, ये आयशा जो है इसके इसके ही खातिर अगर वो कह देता कि भाई मैं इस तरह से महादेव का अपमान मत करो। आप जानते हैं हेड़ा खान एक मंदिर है बहुत बड़ा, पूरी कपूर फैमिली उसकी भक्त थी, शम्मी कपूर वहां आया करते थे। हेड़ा खान ये बहुत आगे है, भवाली अल्मोड़ा वगैरह से आगे है। जो जो यहाँ के वो है उत्तराखंड के लोग हैं वो जानते होंगे, हेड़ा खान एक बहुत ऐसा प्रचलित मंदिर है हेड़ा खान बाबा का, जो जहाँ पर बहुत सारे फिल्म स्टार आते हैं, और वहाँ पर ये लोग कहते हैं कि ये हुक्का भी पीते हैं, मतलब माल टाइप का पीते हैं, और कहते हैं कि महादेव की पूजा करी जाती है। जिस महादेव के भक्तों में से कपूर फैमिली आती है, उस फैमिली की लड़की से इसने शादी करी, उसको मुसलमान बनाया, अब उसे बच्चे पैदा कर रहे हैं दो, मतलब दूसरा होने वाला है शायद। अब बताइए ये वहां पर बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं, और वो आदमी वही है जो जिसने जाफर ने मूवी बनाई है ना, वो आदमी वही है जो जेएनयू की जब ये चल रहा था, तो जेएनयू के उस समय ये वहां पर गया हुआ था दंगों में, जो ये जो प्रदर्शन चल रहा था जेएनयू का, उसमें गया हुआ था, किसान आंदोलन में गया ये। तो ये जितने भी लोग हैं, और वहां पर एक कन्हैया कुमार और शर्जील इमाम के नारे लगा रहे हैं, मतलब कि तुम्हें किस चीज से आजादी चाहिए, और महादेव सामने खड़े हैं त्रिशूल लेकर, और महादेव 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 को ऐसा वैम्पायर बना हुआ है कि मैं क्या बात कहूं। ये जो वेब सीरीज बनाई जा रही है, इसका एजेंडा मैं आपको बता देती हूं। कई गधे लोग, झूठे लोग ये कहते हैं कि ये पब्लिसिटी के लिए बनाई जाती है, बिल्कुल नहीं। एक बात आप सच्चाई समझ लो, एक मूवी बनाई थी मेरे मित्र ने, मूवी का नाम था 84। मूवी यहाँ नहीं लगने दी गई, वो मूवी उन्होंने कनाडा में पंजाबियों को दिखाई, ठीक है ना, सरदारों को दिखाई, लेकिन वो मूवी यहाँ नहीं लगी। अगर वो मूवी यहाँ लगती तो भारत सरकार ने उसको क्यों विरोध करा? भारत सरकार ने कहा ये मूवी आएगी तो दंगे हो जाएंगे, दंगे होने के चांसेस हैं। तो वो आदमी पछता रहा है क्योंकि उसने गलती से बनाई। लेकिन कई लोग जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा रहता है, जो आतंकवादी, आप खुद सोचो ना, इतने लोगों को पायलट ट्रेनिंग देके इतना खर्चा करके वो आतंकवाद में मरवाते हैं, राइट? वो क्यों मरवाते हैं? दहशत बनी रहे। वैसे ही मूवी ऐसी भी बनाई जाती हैं जो बनती हैं, पूरी बनती हैं,
उनका टीजर, उनका सर्टिफिकेट भी लिया जाता है, उसका भी सर्टिफिकेट लिया जाता है, लेकिन वो उनको पता होता है वो रिलीज नहीं होंगी। अगर रिलीज हो गई तो अच्छा, नहीं हो तो कोई और भी अच्छा। रिलीज हो गई तो ये अच्छा है कि दंगे होंगे, मरेंगे लोग, वहां से पाकिस्तान से बैठ के देखेंगे कि दंगे हो रहे हैं। ये है मुल्लों की, ये है मुल्लों की चाल, इसको समझो, समझे। और वो शर्जिल इमाम के और कन्हैया कुमार के डायलॉग बकरा है उसमें मूवी में कि तुम्हें किससे चाहिए आजादी, वो कह रहा है सामवाद से, वही भूख से, गरीबी से, ये बता रहा है, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। अगर इतना अच्छा था तू हरामी सुल्तान के बच्चे, जफार के बच्चे, जफर के बच्चे, अब्बास के बच्चे, तू इतना अच्छा था तो तू क्यों नहीं, तूने एक काम करा, क्यों नहीं तूने एक हाथ में कुरान रखी, कुरान के चितड़े चितड़े खड़े, और उसके बाद तू चप्पल पहन के कुरान में चला, क्यों नहीं चला तू? क्योंकि तुझे लगता है कि तेरा मजहब मजहब है और हमारा जो मजहब है झुंझुना है। मतलब तुम कुछ बोलो तो करो, लेकिन हम जो हैं वो कुछ ना बोले, मतलब हम चुपचाप जो है सहते रहें और तुम्हारी ये जो बकवास है हम सहते रहें, और हमारी लड़कियों को तुम दिखाओ कि हमेशा हिंदू लड़की हो, लेकिन कभी भी मुस्लिम बहू ना दिखाएं, कभी भी मुस्लिम बहू ना दिखाएं। तो ऐड बनाने वाला जो पकड़ा जाता है, जो ऐड बनाया है जिसने, वो भी मुसलमान निकलता है। ऐसा क्यों होता है कि हर गलत काम के पीछे किसी मुसलमान का हाथ होता है? क्यों इंडस्ट्री का हर मुसलमान ऐसा देश, ऐसा सेंटीमेंट हर्ट करने का काम करता है, जबकि उसकी बीवी या उसकी जो भी माँ रही होगी कोई ना कोई हिंदू रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी। तो अब उन लड़कियों को तो ये समझ जाना चाहिए कतई, जो इस गलत फहमी में रहती कि अपना धर्म निभाएंगी, ठीक है ना, अपना धर्म निभाने की तो तुम छोड़ दो। जिस सलमान की माँ जो है ना हिंदू थी, वो तक सलमा हो गई, तो जो इतनी बातें करता गणपति मौर्या, पप्पा मौर्या, ये सब दिखावे में मत आया करो। दादाजी आपसे एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछो बिटिया। आप हर रोज अपने मोबाइल फोन पर ये भजन क्यों सुनते रहते हैं? क्योंकि ये गांधी जी का सबसे प्रिय भजन था और मैं बचपन से ही गांधी जी का भक्त रहा हूँ। और आप गांधी जी के भक्त क्यों हैं? क्योंकि गांधी जी सत्य के पुजारी थे, जीवन भर सत्य के लिए लड़ते रहे। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, लेकिन ये भजन आप जो हर रोज सुनते हैं ये तो अपने आप में ही झूठा है। क्या मतलब? मतलब यह है कि इस भजन का असली वर्जन तो पंडित लक्ष्मणाचार्य ने लिखा था और उसमें ईश्वर अल्लाह वाली लाइन तो कहीं है ही नहीं। तुमसे ये किसने कहा? मैंने ऑथेंटिक सोर्सेस पर खुद सर्च किया और इस सत्य को ढूंढ लिया। आप भी देख सकते हैं, ये देखिए। और इस भजन का असली वर्जन सुनना चाहते हैं तो वे ये है। अगर बचपन में किसी झूठ को सच मानते हुए आप बुजुर्ग हो चुके हैं और आज के बच्चे आपकी आंखें खोलना चाहते हैं, तो उस कड़वे सच से अपनी आंखें बंद ना करें, उसे खुली आंखों से देखें और साहस के साथ स्वीकार करें। किसी को सत्य का पुजारी मानकर उसकी भक्ति। तो आप में से किन किन लोगों को इस सत्य के बारे में पता था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अभी तक देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जो मैं यूट्यूब में नहीं डाल पाता हूँ, तो उनके लिए हम इंस्टाग्राम में उन सभी वीडियो क्लिप्स को डालते हैं, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सच्चाई का शीशा लेकर कब सच्चाई खोलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे। वाह 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 वाह, डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे। बहुत सुंदर।
डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे और सत्ता पैसा चले जाएंगे, अगली पंक्ति में मेरे गुरुदेव का नाम आएगा। मैं चाहता हूं मेरे गुरुदेव के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े शेर हैं, उनका नाम नरसिंहा सरस्वती है, कि सत्ता पैसा चले जाएंगे, कुछ आनंद नहीं होगा उस दिन, तुमको समझाने नरसिंहानंद नहीं होगा। लोग कहते थे, जब मैंने 6 साल पहले कविता की यात्रा शुरू की, सौरभ भैया और मैं इनको मामा कहता हूँ, सौरभ मामा, कि जब मैंने ये कविता की यात्रा शुरू की तो मेरे विषय थे हिंदुत्व, भगवा, हिंदुस्तान। तो लोगों ने कहा, अमित बहुत कम उम्र में कैसी बात करते हो, अगर इस तरह की बात लिखोगे तो मंच नहीं मिलेंगे, मंचों से नकार दिए जाओगे। मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ कि 1 महीने में बहुत सारी डेट भरी रहती हैं, कई कार्यक्रम कैंसिल करने पड़ते हैं, 2-2 देशों की यात्रा पर 10-10 कवि सम्मेलन करने गया मैंने कहा था, क्योंकि मेरे गुरुदेव नरसिंहानंद सरस्वती जी कहते हैं कि अमित शर्मा, जो धर्म को बल देता है धर्म उनको बल देता है, इसलिए मुझे बल जो मिलता है धर्म से मिलता है। मित्रों, 6 साल तक भगवा की बात करी, हिंदुत्व की बात की, भगवा पहनकर मंचों से कविता पाठ किया, लोगों ने कई अधिकारी छोड़कर चले जाते थे, जो अधिकारी छोड़कर चले जाते थे, एक भगवाधारी को सत्ता मिली तो वही अधिकारी भगवा की बात नीचे बैठ के सुनते हैं। ये आपकी ताकत है, हमारी ताकत है। मैं चाहता हूं जिस कविता ने मुझे अमित शर्मा बनाया, मैं उस कविता से आपको जोड़ना चाहता हूं। उसकी आधे मिनट की भूमिका दादाजी इतनी है कि कुछ वर्षों पहले आतंकवाद के साथ एक और नाम जुड़ा, वो नाम था हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। लेकिन जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, वो संसद की प्राचीर से बोलने वाला कोई मुसलमान या ईसाई नहीं था, वो हमारा भूतपूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे, एक हिंदू था। जब उसने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं चाहता तो उसके विरोध में कुछ भी लिख सकता था, पर उसकी संस्कृति ऐसी थी वो किसी को गाली दे। मेरा नाम अमित शर्मा है, मेरी संस्कृति ऐसी नहीं है मैं किसी को गाली दूं। किसी कवि की मुझे 2 पंक्तियां याद आ गई कि कीचड़ तेरे पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था सबने दिया उछाल। तेरी संस्कृति ऐसी थी तू किसी को गाली दे, पर मेरी संस्कृति ऐसी नहीं मैं किसी को गाली दूं। लेकिन मित्रों, उस व्यक्ति को यह बताने की कोशिश की कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व तो क्या है, भगवा क्या है, अगले पंक्ति में पंक्तियां बोलेगी। उस व्यक्ति को क्या बताने की कोशिश की कि जब जब बहुत भाई खिंच गया कि जब जब आहत हुई है धरती देव मुनियों ने बचाई थी, क्या है हिंदुत्व, क्या है भगवा, कि जब जब आहत हुई है धरती देव मुनियों ने बचाई थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबने लीला अपनी रचाई थी, भागीरथ ने की विनती जब माँ गंगा धरती पर आई थी, डुबा ना दे गंगा धरती को शंकर ने जटा फैलाई थी, डुबा ना दे गंगा धरती को शंकर ने जटा फैलाई थी, और समंदर मंथन जब हुआ अमृत दिया था भगवान ने, इस धरती की रक्षा हेतु जहर पिया था भगवान ने, इंसान बने हैं अपने भगवान, मानव धर्म निभाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है, और भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं, भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं। मैं चाहता हूं गुरुदेव आप एक बार खड़े हो जाएं कि भगवा वस्त्र, गुरुदेव एक बार खड़े हो जाएं आधी मिनट के लिए कि भगवा वस्त्र, एक बार जोरदार ताले बजाए कि भगवा वस्त्र में कोई गुरुदेव हमारे, कि भगवा वस्त्र, कि भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं, धर्म के ये सच्चे रक्षक अंबर के चमकते तारे हैं, शक्ति इतनी है इनमें, शक्ति इतनी है इनमें, ये सब वीरान बना सकते हैं, पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं, पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान। आपकी मित्रों तालियां कमजोर है, इतनी कमजोर ताली में मुझे पढ़ने की आदत नहीं है, आपने मुझे बहुत गंदी आदत डाल रखी है, कि पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक महाकुंभ लगा जिसमें 25 करोड़ लोग आए, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है। उन 25 करोड़ लोगों में से 18 लाख लोग विदेशी थे, उन 18 लाख विदेशी लोगों में से 14,500 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, जिसमें एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी फोर्ड कंपनी के मालिक के लड़के ने जब हिंदू धर्म अपनाया और उसका हिंदू नाम रामदास रखा गया, तब जाकर मैंने पंक्ति लिखी कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं, कठोर तपस्या क्या होती है साधु सा तप पर देखो, शांति कितनी मिलती है तुम ओम नाम जप पर देखो, और धरा 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 ये जिस पर घूम रही, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं।
मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो की रीच बनती है इससे। और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रख लीजिएगा। कल फिर एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो।